दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप स्कूल में या कॉलेज में या फिर पॉलिटेक्निक आईटीआई कहीं पर भी पढ़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो उसका फॉर्म आपको सबसे पहले ऑनलाइन भरना पड़ता है। तो ऑनलाइन आप अगर मार्केट में गए होंगे तो आपको बहुत से साइबर कैफे वाले या फिर जो भी फॉर्म आपका भर रहे होते हैं वो आपसे काफ़ी अच्छे खासे मतलब 100-150 रुपये जो भी है वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट की थोड़ी सी मेहनत के लिए। तो आप इसको ऑनलाइन अपने आप भर सकते हैं और आप दूसरों का भर के पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास टाइम है, 10-15 मिनट मुश्किल से लगता है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों या फिर अपने रिलेटिव आसपास के लोगों का आप फॉर्म फिल करके आप आराम से उनसे 100-150 रुपये जो भी है वो आप कमा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं आज यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। सारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं, तो और अदर स्टेट्स के भी देख सकते हैं अगर, क्योंकि सारे फॉर्म सिमिलर होते हैं इसी तरह, तो आप ये फॉर्म आप देख सकते हैं ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लाल वाला बटन दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं दोस्तों। यूपी में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ये scholarship.up.nic.in के नाम से ये वेबसाइट है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सीधे इस पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी नकली वेबसाइट्स भी आती हैं, तो आपका टाइम बचेगा दोस्तों। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो जब दोस्तों आप यहाँ आ जाते हैं, ये छात्रवृत्ति का होम पेज है, स्कॉलरशिप का होम पेज है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाता है। तो इस पेज में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, पर दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST जनरल कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पर फ्रेशर का मतलब है दोस्तों अगर आपका फर्स्ट ईयर है, मतलब कि अगर आप स्कूल से या फिर कॉलेज में हैं और पॉलिटेक्निक या आईटीआई के सेकंड ईयर में हैं या फिर अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं, तो आपके लिए आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको फ्रेशर होना होगा, तो आप फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप फ्रेशर यूज़ करिए, अगर अदरवाइज आपको रिन्यू कराना होता है। तो रिन्यू के लिए भी वही है, SC ST जनरल कैटेगरी है, ये है दोस्तों OBC के लिए, यहाँ पर आपको माइनॉरिटी दिख जाएगी ये देखिए, और ऊपर भी यही है, ये रहा OBC का फ्रेश और माइनॉरिटी का फ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो प्री मैट्रिक जो होता है दोस्तों ये होता है स्कूलों के लिए, 10th तक की क्लास के लिए। फिर होता है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, तो ये होता है दोस्तों 12th क्लास तक के लिए, 11th 12th के लिए। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, तो ये होता है दोस्तों कॉलेज आईटीआई या फिर जो भी आपका पॉलिटेक्निक वगैरह की आपकी स्कॉलरशिप होती है, ये उसके लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन अदर स्टेट्स के लिए है, तो अगर आप किसी और स्टेट से यूपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूपी के किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए होता है जो अदर स्टेट्स वाले होते हैं। तो खैर हम यूपी के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं, तो आप यहाँ पर जैसे कि मैं आज आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ, तो एक आईटीआई का स्टूडेंट समझ लीजिए मैं हूँ, और मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो भी हैं, आप अगर स्कूल से हैं या फिर, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको रिन्यू कराना है तो आप रिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं रिन्यू के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ, फिर मैं रिन्यू वाली भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या खुल के आता है। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज देख सकते हैं आप, खुल के आ जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला, आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, CSM नगर, ये दोस्तों होता है मेनली अमेठी के लिए। अगर आप अमेठी सर्च कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इसको बता भी रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसमें अमेठी सर्च करते हैं, उन्हें अमेठी मिलता नहीं है, वो सोचते हैं A4 अमेठी आएगा, पर CSM नगर अगर आप सर्च करेंगे तभी ये अमेठी आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए CSM नगर,
यहाँ पर आप जब अपने जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कॉलरशिप वाले संस्थान हैं वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कॉलरशिप वाले जो भी संस्थान हैं कॉलेजेस हैं वो इसमें से आप लोड हो जाते हैं। तो चलिए हम अपना कॉलेज देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया है मान लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो भी आपकी जाति है वो आप सामान्य वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना धर्म ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, तो चलिए मैं अपना ही नाम भर देता हूँ। आपके जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स में आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भरना है, तो ये भी वही नाम होना चाहिए जो कि आपका मार्कशीट वगैरह पे है। यहाँ पर आपको अपना मदर का नेम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए मेल या फीमेल। फिर यहाँ पर आपने अपना हाई स्कूल कब किया था वो आपसे पूछेगा कि आप हाई स्कूल कब किया था, तो पासिंग ईयर दोस्तों जो भी है वो आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो। और फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर आप डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम देना है जिस भी स्कूल से आपने अपनी 10th की थी, तो मैं भर देता हूँ। इसमें आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, आप किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करना, तो ये आप यूज़ करके फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो आप इन्हें यूज़ ही मत कीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मली अपना एक मोबाइल नंबर देना है कोई भी, तो मैं दे देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर दोस्तों कोई लैंडलाइन नंबर है टेलीफोन तो आप उसका दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस भी भर दीजिए। फिर यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। और पासवर्ड में दोस्तों आपको मतलब यहाँ पर जो आपको पासवर्ड बनाना है दोस्तों वो 6 अंक से 12 अंक का होना चाहिए, जिसमें कि आपका अक्षर भी होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए, तो दोनों का मिक्सअप, प्लस इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का आपको मिक्सअप भी बनाना है। तो आप उस टाइप का कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। फिर नॉर्मल हम यहाँ पर दोस्तों कैप्शन देके सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाता है। आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ये नंबर, इसी नंबर से आप लॉगिन करेंगे अपना फॉर्म फिल करने के लिए। तो वो फॉर्म अब फिल करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसका कहीं स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको लिख के रख लीजिए, और आपको अपना पासवर्ड याद रखना है वो भी आप लिख लीजिए ताकि भूले ना। और दोस्तों चाहे तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए ताकि आप भूले ना। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप स्टूडेंट पे लाइए और यहाँ लॉग इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आप लॉग इस पे क्लिक कर लीजिए लॉग इन पे, और कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आवेदन का प्रकार पूछ रहा है, तो नया, और यहाँ पर आपने पोस्ट मैट्रिक चुना था या फिर प्री मैट्रिक, तो आपने पोस्ट मैट्रिक चुना था तो हम पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका था वो जो मैंने आपको बताया था तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया था, और फिर यहाँ पर ये कैप्चर जो भी आया है ये आपको दे देना है। तो चलिए भर देते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों जब आप आईडी बना लेंगे उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करें, इस पर टिक लग चुका है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, इस पर भी टिक लग चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपना पहला प्रोसीजर भरना है। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको भरनी है।
तो दोस्तों आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था उस कॉलेज के यहाँ पर सारे कोर्स आ जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर आईटीआई है जो मैंने भरा था, तो आईटीआई यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आईटीआई से रिलेटेड ये आपका जो भी किस ब्रांच से आप पढ़ रहे हैं तो ये आप वो पूछेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन या फिर फिटर, तो फिटर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका प्रवेश लेटरल हुआ था, तो नो या फिर यस। अगर लेटरल हुआ था तो आप लेटरल बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब आपने क्या एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आप नो कर सकते हैं या फिर यस। उसके बाद यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो विवाहित हैं तो आपका यहाँ पर पति का नाम, वरना यहाँ पर छात्र का जो आधार कार्ड संख्या है यहाँ पर उसके आधार कार्ड का नंबर जो कि आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस दे देना है, तो ये आप दोनों सेम कर सकते हैं। अगर सेम है और सेम नहीं है तो आप इसको वहाँ पर भी भर सकते हैं अपना दूसरा एड्रेस। साथ ही में अगर आपने वहाँ पर SC ST सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर आपका जाति क्या भी मांगता, पर हमने जनरल किया था तो ये यहाँ पर नहीं मांग रहा है। यहाँ पर ये आपकी वार्षिक आय पूछेगा जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, तो यहाँ पर आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट में जितनी आय दी गई है उतनी आप भर सकते हैं, जो भी आपको XYZ दी गई हो। फिर यहाँ पर आपको उसकी संख्या का नेम, यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या और यहाँ पर डेट आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूछेगा आप कितना पढ़े हैं, तो ये आप जो भी है आप दे सकते हैं, इंटर, हाई स्कूल जो भी है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका इंटर का ये रिजल्ट है आप इंटर के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। अगर हाई स्कूल है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का, यहाँ पर आपको हाई स्कूल के अपने नंबर बताने हैं। और यहाँ पर ये देखिए पास हैं या प्रमोटेड हैं या फेल हैं, तो वो आपको लिखना है। साथ ही में यहाँ पर प्राप्त अंक और पूर्णांक आपको लिखने हैं कि टोटल कितना है और मिला कितना है आपको। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पाठ्यक्रम कि आपने एडमिशन कब लिया था उसकी डेट आपको लिखनी है, प्रवेश की तिथि आपको लिखनी है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्तमान बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक लिखना है जो कि आपको आपके स्कूल कॉलेज से ही मिलेगा, तो वहाँ से आपको ये चीज़ पूछनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी। एक नंबर होता है कुछ ऐसा करके, तो वो नंबर आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि स्कूल या फिर आपके कॉलेज का पंजीकरण क्रमांक क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर कॉलेज है तो कॉलेज का बोर्ड क्या है, अगर ITI का कॉलेज है तो जैसे कि वो NCVT होता है, तो आप इसमें जो भी भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल्स देनी है, जिस भी बैंक में आपका खाता है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आएगा, तो वो आपको बैंक का डिटेल यहाँ पर देना है। तो आप जो भी बैंक चाहें तो सेलेक्ट कर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रांच आएगा उसका, तो आप वो भी सेलेक्ट कर लीजिए। जब ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अकाउंट नंबर आएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नाम आएगा जो कि आपका पासबुक में है, तो आपका XYZ जो भी नाम है वो आप भर दीजिए। ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि दीवा छात्र हैं या आवासीय छात्र हैं, तो आवासीय छात्र मतलब आप वहीं के हैं या फिर आपने कुछ मतलब हॉस्टल वगैरह PG वगैरह ले रखा है, तो अब वो आप देख लीजिए। अगर आप हैं तो आप दीवा कर सकते हैं या फिर आवासीय। उसके बाद विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांग भर सकते हैं, वरना इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्कूल से आपको फीस की स्लिप लेनी है वो स्लिप का दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है कि आपका कितना वार्षिक में आपने फीस पे की है, वो यहाँ पर टोटल आएगा। फिर यहाँ पर आपको एक बताया जाएगा स्कूल की तरफ से कि टोटल आपका कितना आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बिल में लिखा हुआ अमाउंट वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जो बिल का संख्या है, रसीद का संख्या, वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बिल डेट लिखनी है। बिल डेट लिखने के बाद जमा की गई टोटल राशि आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मली कैप्चर देके ये फॉर्म सबमिट कर देना है दोस्तों। अपनी फ़ोटो जब आप अपलोड कर देंगे दोस्तों, तो फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से यही फॉर्म जो अभी आपने भरा है, यही फॉर्म यहाँ पर दोबारा खुल के आ जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है फॉर्म में, अगर नहीं करी है तो फिर से सबमिट करना है उसमें, और कुछ नहीं करना है, पूरा भरा भरा फॉर्म आएगा आपका।
उसमें बस आपको चेक करना है कि अगर गलती से कहीं कुछ गलत भर दिया है तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर दीजिए, फिर ये आप इसको प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रिंट करके स्कूल में आपको जमा कराना होता है, तो उसको प्रिंट करा लीजिए, या फिर अगर आपके घर में है तो आप घर में प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप उसको फाइनल लॉक करना होता है। 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपका जो फाइनल लॉक होने के बाद प्रिंट आउट का, ये प्रिंट आउट का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। पहले ये वाला ऑप्शन जब आप सेकंड लास्ट ऑप्शन जब आप कर देंगे, मतलब अपना, फिर जब आप जमा कर देंगे दोस्तों, तो वो जांच के लिए जाता है। जांच प्रक्रिया में वो 3 दिन तक का समय लेते हैं, उसके अंदर अंदर ही, मुश्किल से 1 दिन में ही दोस्तों वो ओके कर देते हैं, और फिर आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाता है, संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट करें। तो इसमें आपका 3 पेपर वाला प्रिंट होगा, तो वो 3 पेजेस में होता है, उसको आप प्रिंट कीजिए और अपने स्कूल में ले जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करा दीजिए। बस दोस्तों इतना ही होता है, इतना ही होता है इसमें पूरे फॉर्म में। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स होता है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी मदद की है इस वीडियो ने अगर कहीं पर भी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जल्दी से ही 1,000 होने वाले हैं, और आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, गिवे है तो आप गिवे में भी पार्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर होने पे गिवे का रिजल्ट अनाउंस करूंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ये लाल वाला बटन दबा के। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।